नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए दोस्तों गेस पेपर का क्वेश्चन लाया हूं। दोस्तों आज मैथिली का गेस पेपर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों क्लास 10th का दोस्तों गेस पेपर का क्वेश्चन है मैथिली का, ठीक है दोस्तों। इसी गेस पेपर से दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी गेस पेपर से पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस गेस पेपर के क्वेश्चन को एक बार बना लिया अच्छे से दोस्तों, तो आपका एग्जाम जो आसानी से निकल जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों बी बोस के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम आने वाला है, तो दोस्तों क्या है, अगर आप मैथिली अपना सब्जेक्ट चूज किए हैं, तो दोस्तों क्या है, ये गेस पेपर आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस गेस पेपर के क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कहीं भी एग्जाम में आप लोग दोस्तों फेल नहीं करिएगा, कोई भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। चलिए सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, हमारा क्लास जो 10th है, सब्जेक्ट मैथिली है, सब्जेक्ट कोड जो है दोस्तों 206 है, ठीक है दोस्तों। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट टाइप होगा, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को सारा जो है क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है ये मैथिली का, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिख रहा है आप लोगों को, फ्रेश दिख रहा होगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए सारे क्वेश्चन जो आसान है, मुझे नहीं लगता दोस्तों क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कहीं भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान पूछे गए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, देखिए जो दोस्तों क्वेश्चन, देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है आपसे क्या है, 50 शब्द के अंदर लिखो, 50 शब्द में आंसर देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आप तो अपने घर पे दोस्तों आसानी से दोस्तों क्या करिए, जहाँ भी आपको पढ़ना है आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, आप बार बार जितना बार देखना चाहे दोस्तों, जितना बार उतना बार देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमको निबंध लिखने के लिए बोला जा रहा है, दीपावली, आतंकवाद, समाचार पत्र, जो भी है आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों ये सब क्वेश्चन। अब हमसे नीचे में पत्र लिखने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। बस हमारा इतना ही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जा रहा है, 8 पेज का है, अब नीचे नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं नहीं है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैथिली में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप लोग दोस्तों एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे को जो है एग्जाम में दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन आ जाएँ, अच्छे से 80 से 90% क्वेश्चन के आंसर दे दें और 80 से 90% अंक जो आप प्राप्त कर लें दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोगों को दोस्तों क्या है, इस गेस पेपर को आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा ये गेस पेपर जरूर पढ़िए। इस गेस पेपर से दोस्तों हर साल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज की ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।